नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास पर। दोस्तों, यदि आप कक्षा 10वीं 12वीं कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, भारत सरकार ने छात्रों के हित में निर्णय लेते हुए बताया है कि 15 मई के बाद हो सकेंगे विद्यार्थियों के पेपर। दोस्तों, यहाँ पे भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि कक्षा 10वीं 12वीं और कॉलेज के विद्यार्थियों के जो पेपर रह रहे हैं वह पेपर 15 मई के बाद हो सकेंगे। दोस्तों, इसी के नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 15 मई के बाद ही कक्षा 10वीं 12वीं और कॉलेज के विद्यार्थियों की हो पाएगी बची परीक्षा। तो दोस्तों, ये यहाँ पे लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, आपको जो बताने जा रहा हूँ भारत सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है। दोस्तों अगली न्यूज ये है कि विद्यार्थियों के नए एडमिट कार्ड होंगे जारी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो आपका पुराना एडमिट कार्ड है वह अब अमान्य होगा। अब आपकी बची परीक्षा के लिए नया एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें नई एग्जाम डेट और नया यहाँ पे एग्जाम टाइम होगा। तो दोस्तों, इसी के नीचे एक और खबर है जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, जिस विषय में कम विद्यार्थी होंगे उस विषय की परीक्षा पहले होगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जैसे कक्षा 12वीं है, कक्षा 12वीं के अंदर आर्ट्स के विद्यार्थियों की संख्या साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों की संख्या के तुलना में ज्यादा होती है। तो दोस्तों, जब भी परीक्षा स्टार्ट होगी 15 मई के बाद में, तो साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों की परीक्षा सबसे पहले होगी। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो बचे हुए पेपर रह रहे हैं उनमें कम से कम विद्यार्थियों की भीड़ हो एग्जाम सेंटर पर, ताकि कोरोना वायरस का कहर है वो कम हो सके। दोस्तों, यही सेम नियम कक्षा 10वीं और कॉलेज के विद्यार्थियों पर भी लागू होगा। उनमें भी जिस विषय में कम विद्यार्थी होंगे उस विषय की परीक्षा पहले होगी। तो दोस्तों, आगे जो न्यूज आई है वो पढ़ते हैं। डाउट नट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस एडवांस के लेवल तक तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नट है। तो दोस्तों, अगली न्यूज ये है कि छात्रों को परीक्षा में मास्क पहनना अनिवार्य। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो विद्यार्थियों की सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रख रही है। दोस्तों, आशा गवर्नमेंट यही कर रही है कि 15 मई के बाद कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए मास्क पहन के आना है। दोस्तों, आगे हमारे पास में जो खबर है नीचे वो ये है कि कक्षा 12वीं और कॉलेज के विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान करनी होगी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यानी कि विद्यार्थियों को दूर दूर बैठाया जाएगा, 2 विद्यार्थियों के बीच में 6 फीट की दूरी होगी। दोस्तों, कितनी फीट की दूरी होगी? दोस्तों, 6 फीट की दूरी होगी, साथ में मास्क भी लगा होगा। यानी कि आपका जो सरकार है वो आपकी सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान रखने वाली है दोस्तों, परीक्षा के दौरान। दोस्तों, आगे हमारे पास में जो हमारे पास में चौथी खबर है परीक्षा से रिलेटेड वो ये है कि विद्यार्थियों को पेपरों के बीच नहीं मिलने वाला गैप। दोस्तों, कई विद्यार्थी अभी मजे कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान। दोस्तों, ऐसा करना आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि आपकी जैसे कि आज परीक्षा है, ठीक है, और अगली परीक्षा होगी वो ऐसा मत सोच लेना कि 2 या 3 दिन के बाद में होगी। दोस्तों, पुराने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं होने वाली है, आपका एक भी दिन नहीं मिलने वाला है, बीच के अंदर गैप के अंदर कोई भी दिन नहीं मिलने वाला है। इसलिए सरकार आपको पहले ही सूचित कर रही है कि विद्यार्थियों को पेपरों के बीच नहीं मिलने वाला गैप। तो दोस्तों, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बचे हुए पेपरों की। आपकी परीक्षा से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए आज ही विजिट करें rkela.in, इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो दोस्तों, इसी के नीचे लिखा हुआ है कक्षा 10वीं 12वीं और कॉलेज के विद्यार्थियों को परीक्षा से 10 दिन पहले बता दिया जाएगा नया टाइम टेबल। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि कक्षा 10वीं और 12वीं और कॉलेज के विद्यार्थियों को 10 दिन पहले ही उनका नया टाइम टेबल बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं 15 मई के बाद में पेपर होने हैं, तो दोस्तों इससे 10 दिन पहले यानी कि 5 या 6 मई को आपको कक्षा 10वीं 12वीं और कॉलेज का जो नया टाइम टेबल है वो बता दिया जाएगा। दोस्तों, आगे दोस्तों हमारे पास में जो न्यूज है, दोस्तों अंतिम न्यूज हमारे पास में देख सकते हैं, लिखा हुआ है परीक्षा में एग्जाम सेंटर्स की होगी बढ़ोतरी। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। दोस्तों देखो, जैसे कि आपके गांव या शहर के अंदर पहले एक ही एग्जाम सेंटर हुआ करता था, ठीक है, वहां पे सभी विद्यार्थी अपनी परीक्षा देने आते थे। अब क्या होगा दोस्तों, अब जब उसी परीक्षा केंद्र पर सभी के सभी विद्यार्थी आएंगे तब क्या होगा, भीड़ इकट्ठा होगी विद्यार्थियों की, तो इससे क्या होगा, कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा और ज्यादा होगा। तो दोस्तों, अब आपके सरकार क्या करेगी, उसी गांव या शहर के अंदर एग्जाम सेंटर की संख्या है वो बढ़ा देगी। इससे विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, बंट जाएंगे, अलग अलग परीक्षा केंद्रों में चले जाएंगे उसी दिन। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी, साथ ही जो कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा है वो भी कम हो जाएगा। दोस्तों, इसी के नीचे खबर है विद्यार्थियों
विद्यार्थियों को परीक्षा से एक घंटे पूर्व एग्जाम सेंटर आना होगा, जिससे सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, एग्जाम सेंटर पर एक घंटे पहले आना होगा, जिससे क्या हो सकेगा दोस्तों, आपके जो टीचर्स हैं वो आपको गाइड कर सकेंगे कि 6 फीट की दूरी रखनी है, मास्क पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ है। तो दोस्तों आपके लिए ये 5 न्यूज़ लाया था दोस्तों, यहाँ पे ऑफिशियल न्यूज़ निकली है दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।